नुजायदा बच्चों की सेहत के प्रोग्राम अद्वियात की मद में 17 करोड़ का कट लगा दिया। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने 9 अरब रुपए का तरमीमी मंसूबा PND बोर्ड को इरसाल कर दिया। तरमीम शुदा बजट में अद्वियात सप्लाई के बजट वाज़ेह कमी कर दी गई। रवा साल प्रोग्राम के लिए 2 अरब 20 करोड़ मुख्तस किए गए थे। मरकर भी चैन ना पाएं तो किधर जाएं? कराची के कब्रिस्तानों के बाद लाहौर के कब्रिस्तानों में बारिश और सीवरेज का पानी। निरसर के इलाके नंगड़ में कब्रिस्तान तालाब का मंजर पेश करने लगा। कब्रिस्तान में मौजूद तमाम कब्रें बारिश और सीवरेज के पानी में डूब गईं। कब्रिस्तान में अजीज व अकारिब की कब्रों पर आने वाले शहरी परेशान। अपोजिशन अपने ही बुलाए गए इजलास में कॉरम पूरा ना रख सकी। अपोजिशन के नाश्ते की हिकमत अमली भी कारगर साबित ना हुई। कश्मीर इशू पर अपोजिशन का बुलवाया गया इजलास स्पीकर की गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन का तमाम भारतीय चैनल्स के बायकॉट का ऐलान। गैर कानूनी नशरियात को रोकने से कसीर जर मुबादला की बचत होगी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का स्लोगन चलाएंगे सदर मलिक फुरकान की दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हम सब पाक फौज के साथ खड़े हैं। गैर कानूनी नशरियात की रोकथाम के लिए कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। और साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम मिसबाह उल हक ने कोचिंग से मुतालिक गर्दिश करने वाली खबरों को अफवाहें करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले अभी कोचिंग के लिए अप्लाई नहीं किया, जब अप्लाई करूंगा तो क्रिकेट कमेटी से इस्तीफा दूंगा। लेवल 2 कोचिंग कोर्स कर रखा है कोच और स्टीव सेलेक्टर अलग होने से जिम्मेदारी कबूल नहीं करता। पंजाब फूड अथॉरिटी का 30वां बोर्ड इजलास मुनक्किद हुआ है जिसमें अहम मंसूबों की मंजूरी दी गई है। इजलास की इब्तिदा सीनियर मेंबर डॉक्टर फैसल मसूद मरहूम के लिए फातह खानी से हुई है। फूड अथॉरिटी सर्विस रेगुलेशन में तरामीम की मंजूरी दी गई है। DG फूड अथॉरिटी की जानिब से इस इजलास में ये बताया गया है कोटा सिस्टम के तहत मुलाजमीन को हज पर भेजने की तादाद 2 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। मजीद बताया गया कि पंजाब फूड अथॉरिटी के बजट की मंजूरी भी दे दी गई है। रिकवरी के लिए इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जानिब से यह बताया गया है। टेक्निकल विंग के लिए ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती की मंजूरी भी दे दी गई है। इस इजलास में मजीद बताया गया कि लेबल की स्क्रूटनी फीस 500 से बढ़ाकर 1000 कर दी गई है।